ठीक है ना, चलो वन टू वन। ये तांबरे रुपी जी इधर, मैं भी इधर हूँ। अरे भाई भाई घूम ले, अरे भाई बात कर ले भाई। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है नीरज जी, हम सब साथ में शिवानी जी हैं उसमें, सो उनकी आवाज़ है। एंड वी डिड दिस म्यूजिक वीडियो बहुत पहले पर रिलीज अब किया है, बट काफ़ी बहुत अच्छा सॉन्ग है। किस तरीके का सॉन्ग है लुकिंग एट द पोस्टर? आई एम लुकिंग फैट। मैं एक साल पहले थोड़ी चवी थी यू नो, अब मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ। बट इट्स अ सॉन्ग अबाउट अ गर्ल जो एक लड़के से अट्रैक्शन फील करती है एंड हर फैंटेसीज, बट वो पास जा नहीं पाती है उसके, तो इट्स अ सॉन्ग अबाउट दैट। कहाँ शूट हुआ है ये म्यूजिक वीडियो? कहाँ शूट हुआ था? चंडीगढ़। हाँ, सबको पता है उर्फी सोशल मीडिया पे सामने है, सो वी हैव टू चूज हर, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज आवर वन टेक आर्टिस्ट। हां ये तो है, ये मेरा वन लाइनर है उर्फी के लिए, शी डिड ऑल द शॉट इन वन टेक। उर्फी आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस पूरे म्यूजिक वीडियो में? बहुत चिल था, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड दीस पीपल वर वेरी नाइस, मतलब हर चीज बहुत अच्छे से निपट गई थी। सेट पे एक आध प्रॉब्लम जो किसी और की वजह से हुई थी, उसकी वजह से कोई और दिक्कत नहीं थी। हाँ हाँ, बाकी सब बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छे से किया था। प्रॉब्लम किस तरीके की थी कुछ बताएं? वो यही दोनों बताएंगे, मैं नहीं बता सकती वो क्या प्रॉब्लम थी, यही दोनों बताएंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं आई थी, जब हम शूट कर रहे थे तो 2-3 घंटे के लिए शूट रुक गया था हमारा बारिश की वजह से। बारिश आई थी तो उस चक्कर में थोड़ा सा पहुँच पहुँच हो गई थी चीजें, बट तो लेट नाइट तक थोड़ा सा ज्यादा डिले हो गया, बट पूरी टीम कोऑपरेटिव थी और उर्फी ने मतलब नहीं, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अब मैं शूट नहीं करूंगी, 1:30 बज गए, मैंने कहा मेरी घंटी बज चुकी है। नहीं, सी शॉट टिल 3 एम। नहीं, हमने 2 बजे तक किया था, 2 बजे तक किया था, 3 बजे हम शॉट चले गए, इन लोगों ने किया था, मैं नहीं कर रही थी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही। जैसे कि हर बार हम स्पॉट करते हैं उर्फी को एक डिफरेंट डिफरेंट लुक में, लेकिन इस बार उर्फी की इस म्यूजिक वीडियो में किस तरीके की लाइक क्लोथिंग एंड ऑल डिजाइन किए गए हैं कुछ? बहुत नॉर्मल रखा है हमने, which for a change is not normal for me. आप आयरनी समझ रहे हैं कि नॉर्मल कपड़े हैं तो वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था पहनने में। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना ढका हुआ सब कुछ, वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी, आई वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन फॉर दिस। सो व्हाट डू यू लाइक टू से? दूरियां रिलीज हो चुका है, प्लीज अपना प्यार दो, साथ दो, सपोर्ट करो। नहीं नहीं, टाइम नहीं होता है बिल्कुल, शूट के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, हम तो बस लोकेशन पे जाते हैं एक्टर और करके फिर फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं, नहीं नहीं कर पाए। साथ ही आज के लुक के बारे में बताइए, हाउ कम यू थॉट अबाउट दिस डिज़ाइन? आई डिडंट थिंक अबाउट इट, एक डिज़ाइनर है जिन्होंने ऐसी विग्स बहुत सारी बनाई हुई हैं, सो इट्स एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हु केयर्स अबाउट कंफर्ट, इट्स फैशन डार्लिंग। नहीं बताना चाहूँगी, देखो अभी बता के तो मैं खुद भी नहीं, मैं अपने टेलर को नहीं बता पाती हूँ, मैं तुम लोग को क्या बताऊँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ। एक सेकेंड, उर्वशी उधर है, मेरा नाम कि क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ डिजाइन करते हैं कि क्या है उसके बारे में?
ये तो अब सबको पता है कि मैं खुद ही करती हूँ यार, मैं खुद ही करती हूँ और नहीं सोचती हूँ तभी तो। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या क्या रुख दिखने वाला है उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं बताऊंगी। क्या कभी कोई पब्लिक डिमांड को किया है आपने? पब्लिक तो चाहती मैं जेल चली जाओ, ये डिमांड मैं नहीं पूरी कर सकती हूँ बहन। नहीं मैं प्यार की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ, मैं हेट की वजह से, मैं ट्रोलिंग की वजह से यहाँ पे हूँ। आई एक्सेप्ट दिस। नहीं आई एम नॉट मुझे अप्रोच भी नहीं किया गया है लॉकअप के लिए। आई डोंट नो व्हाई इतने र्यूमर्स आ गए, मुझे अप्रोच भी नहीं किया गया है। झलक दिखला जा, किसने बोला ये? और भी कोई शो है सब अभी ले लो, सारे अभी ले लो कि कहीं ना कहीं तो दिखेगी। कोई भी रियलिटी शो नहीं, मुझे अप्रोच ही नहीं किया गया। मुझे कुछ अप्रोच नहीं किया गया है, मुझे कोई ऑफर नहीं आया है, सॉरी कुछ भी नहीं। हर बार ऐसे कहती हूँ और कोई ना कोई जगह दिखाई देती हूँ फिलहाल। नहीं यार अभी सच में कुछ अगर होता तो आप संजय बताएगा, यही बता सकता है, मैं नहीं बता सकती हूँ। ये तो काम की बाट लगवाएगा, जो थोड़ा बहुत है इसी की वजह से जाएगा। यार अब बैंक जो सांप मुंह में डालना किसको पसंद है, ये कैसा सवाल हुआ? किसी को पसंद नहीं है यार, पैसों के लिए करना पड़ता है और फेम के लिए या काम है तो करना पड़ता है, बट ऐसे पसंद किसी को नहीं होता है। और हाँ, पर कभी ऑफर आएगा तो सोचा जा सकता है। अभी तो हम दूरियां की बात करेंगे, हो गया कोई है ही नहीं दूरिया का, कोई हुक्सेप नहीं है। मैंने लेट के ऊपर ऐसे से किया है, ये गांव में लेट हूँ, यहाँ पे नहीं है। अन्नू गिर जाएंगे सबके भूल, गिर जाएगा मैं नहीं हिला रहा, तुम लोगों को जो चाहिए वो कर दो। ये बर्गर जैसे उर्फी कौन बोल रहा है? कि किसकी आवाज है? अरे राजेंद्र सर की। Done guys, done.